के, जितने भी एस एस सीजीएल टीयर 2 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप सभी लोगों के बहुत सारे डाउट्स आए थे, मैंने प्रीवियस जितनी भी वीडियोस अपलोड करी हैं उनके अंदर मैंने आपके डाउट्स देखे थे कि भैया अभी हमने आंसर की चेक कर ली, हमारा स्कोर इतना बन रहा है कंप्यूटर के अंदर, हमारा स्कोर इतना बन रहा है, अभी इसके बाद क्या प्रोसेस होने वाला है, रिजल्ट हमारा कब तक आने वाला है, पोस्ट प्रेफरेंस हमसे कब भरवाया जाएगा, कौन कौन से ऐसे बच्चे होंगे जिनसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवाया जाएगा, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट आप लोगों का कब तक आ सकता है, वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो स्टार्ट लेते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले आप लोगों ने अपना स्कोर चेक कर लिया है, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपनी कैटेगरी बताइए और आपका कंप्यूटर के अंदर कितना स्कोर बन रहा है, ये सारी की सारी चीजें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ में गूगल फॉर्म का लिंक भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, उसको फिल कर देना, ठीक है। हमने कट ऑफ को लेकर वीडियो पहले अपलोड कर रखी है, उसको चेक कर लेना और बाकी फाइनल कट ऑफ कितनी आ सकती है वो वीडियो आपको आज शाम को देर शाम तक आपको मिल जाएगी। पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर वीडियो आपको कल मॉर्निंग तक मिल जाएगी, ठीक है। हम अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, तो अप्रैल की लास्ट और मई के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इस बार जो रिजल्ट है आप लोगों का थोड़ा सा चेंज किया गया है, कैसे, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल 2023 के अंदर, सीजीएल 2022 के अंदर आपका जो पूरा का पूरा पैटर्न है वो चेंज कर दिया एसएससी ने, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 ऐसे करके आपका डिवाइड किया गया था। इसके अंदर आपका कंप्यूटर टाइपिंग और मैथ रीजनिंग का अलग सेक्शन कर दिया और आपका जीके और इंग्लिश का अलग सेक्शन कर दिया। तो आप लोगों के ये डाउट्स थे कि हमारा जो रिजल्ट आने वाला है तो उसके अंदर क्या मैथ की अलग कट ऑफ आएगी, रीजनिंग की अलग आएगी, जीएस की अलग आएगी, इंग्लिश की अलग आएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। लेकिन आपको मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ये सभी के सभी सब्जेक्ट के अंदर जो उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसको क्रॉस करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप जो कट ऑफ के अंदर आ पाएंगे, ठीक है। वो सारा का सारा सेक्शन 1, सेक्शन 2 को मिलाकर आपका एक कट ऑफ निकाला जाएगा जिसके अंदर ऐसा एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि 3 से 4 गुने बच्चे जो है बुलाए जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो आपका कंप्यूटर और टाइपिंग का जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाएगा, उसके अंदर भी काफी सारे बच्चे जो है उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको बताइए, जैसा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जिनके 300 नंबर आ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, उन्होंने नंबर अपने गेन नहीं कर पाए, यूआर के अंदर 18 नंबर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर आपका 15 नंबर और अदर कैटेगरी जितने भी 12 नंबर, आपको इतना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इतना तो करना ही करना है, ठीक है। टाइपिंग के अंदर आपका कंप्यूटर के अंदर भी और टाइपिंग के अंदर भी आप लोगों को जो मिनिमम क्वालिफाइंग, मिनिमम जो एरर है वो आप लोगों को बताया गया है, ठीक है, वो मैंने आपको वीडियो के अंदर बता रखा है पहले से, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। बाकी सीजीएल 2021 का जो रिजल्ट आया फाइनल रिजल्ट, उसके अंदर आपने देखा होगा कि टाइपिंग के लिए कितना एरर वहां पर जो है जो कट ऑफ है वो लगाई गई है। टाइपिंग के लिए आपको पता है कि अभी तो जो पैटर्न चेंज किया गया है तो वो पैटर्न पहले वाला अलग था, लेकिन वहां पर अगर देखते हैं तो 5% का एरर जो है अलाउड था, ठीक है, यूआर के लिए। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कितना, तो कंप्यूटर के अंदर जो एवरेज स्कोर आप लोगों का, आप लोगों ने गूगल फॉर्म फिल किया था उसके अंदर मैंने अभी तक देखा लगभग 1.5 से 2 हज़ार लोगों का वहां पर डेटा आ चुका है, तो वहां पर जो आपका एवरेज स्कोर निकल रहा है ना वो उतना हाई नहीं जा रहा है, ठीक है, तो उसको लेकर मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको चेक कर लेना। अगर ये क्या करेंगे कि एवरेज स्कोर आपका निकलेगा वो इतना ही निकलेगा जैसे 30% 40% लोगों ने क्वेश्चन करे हैं, 50% क्वेश्चन करे हैं ना, तो उस हिसाब से आप लोगों का यहाँ पर जो है आपका पूरा का पूरा जो कंप्यूटर का जो कट ऑफ निकाला जाएगा वो ऐसे निकाला जाएगा, 30% निकाल सकते हैं, 40% निकाल सकते हैं ना, यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ, तो इस हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो निकाला जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस फिल करवाया जाएगा, वो लगभग 1.5 गुना 2 गुना बच्चे उसमें रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा एसएससी, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है इसमें काफी सारा टाइम लगने वाला है, लगभग 4 से 5 महीने 6 महीने आपके लग सकते हैं फाइनल रिजल्ट आने तक, लेकिन टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का अप्रैल के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अभी पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स थे, तो पोस्ट प्रेफरेंस को आपको बिल्कुल सही से भरना है, ऐसा नहीं करना है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप जो आपकी ड्रीम पोस्ट है उसको आप फॉर्म फिल नहीं करेंगे, आपको सीएल वाइज सारी सारी पोस्ट फॉर्म फिल करनी है, बाकी डिटेल में वीडियो आ जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप आपका जो नंबर कम है और आपको पोस्ट सही नहीं मिल पाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाकी आपको सारा का सारा सीरियल वाइज ही भरना है, सारी सारी पोस्ट का वहां पर ऑप्शन दिए होते हैं तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी सीजीएल 2023 के लिए जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां पर फ्री में प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ सारा का सारा मिलता रहेगा, और भी आप लोगों को काफी सारा स्टेप यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है। साथ में सीजीएल 2023 के अंदर आपको किस तरह से तैयारी करनी है, जो भी सीजीएल 2022 जिन लोगों ने दिया था और जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं उनसे भी आप लोगों को यहाँ पर वीडियो आप लोगों के चैनल के ऊपर मिलने वाली है, जिससे आपको गाइडेंस और अच्छी तरह से मिल पाएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई होप आपको जितनी भी जानकारी मैंने बताई वो सारी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।